हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 21 मई। चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति और एक विद्वान में कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक धनी व्यक्ति या राजा अपने देश और अपने लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो सकता है, किंतु एक विद्वान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होता है। यदि एक व्यक्ति की संपूर्ण विश्व में ख्याति हो और एक की केवल अपने गांव में, तो दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है। द लास्ट 21 मई 1973। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। उसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं भगवत भजन करूंगा इसलिए कि भगवान से कुछ मैं अदा कर लू, कुछ और कुछ प्राप्ति कर लू। साधारण ऐसी जाते हैं, वो भी अच्छा। भगवत गीता में बताया कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति नौज। चार प्रकार की भक्ति जो है, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति नौज ना आर्त अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त का अर्थ दुखी जो है, हर एक प्रकार से शरीर से और दुनियादारी से जो दुखी है, वो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान यह हमारा दुख है, थोड़ा मिटा दीजिए। तो भगवान मिटा देता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है भगवान के लिए। और अर्थाति है जो कि धन नहीं है, धन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो भी भगवान मिटा देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और ज्ञानी जो है, जो धन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जो वास्तविक भगवान वस्तु क्या है, उसका नाम ज्ञानी। और जिज्ञासु जो कि इंक्विजिटिव, जैसा हम लोग बाजार में जाते हैं भाव पूछते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति, ये लोग भगवान भगवान कहते हैं क्या चीज है भगवान, उसका नाम जिज्ञासु। जिज्ञासु ज्ञानी आर्त अर्थात, ये जो भगवान का विषय अनुसंधान करते हैं, भगवान के पास जाते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, इसको शास्त्र में बताया है कि चतुर्विधा भजन सुकृत न, ये पुण्यवान। यद्यपि भगवान के पास जाकर के कुछ मांगते हैं, ये उनका मूर्खता है, तथापि ये पुण्यवान है। क्या कि भगवान के पास पहुंचे, और जो भगवान का पास पहुंचता ही नहीं, उसको कहता है दुष्कृति, इसको कहता है सुकृति। सुकृति पुण्यवान। आज जो भगवान के पास जाता ही नहीं किसी कारण से, उसका नाम दुष्कृति, मैंने महापाप। दुष्कृति कृति का अर्थ होता है जो अच्छा काम कर, कृति का अर्थ होता है मेधावान, बड़ा बुद्धिमान, तो बुद्धि लगाते हैं पाप का कार्य में, उसका नाम दुष्कृति। और वो बुद्धि जो पुण्य का काम में लगाता है, उसका नाम सुकृति। तो सुकृति जो होता है, यद्यपि भगवान के पास मांगने वाला शुद्ध भक्त नहीं है, तथापि उसको सुकृतिवान कहा। और जो भगवान के पास जाता ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं, उसका नाम है दुष्कृति। न मांग दुष्कृति न मूरा। और दुष्कृति जो है, उसको और भी एक खिताब दिया गया है, मूढ़ा मैंने गधा। नमान दुष्कृत न मूढ़ा प्रबंधनते नराधमा, और भी एक खिताब है उनका, नराधम नस मनुष्य जीवन का अधम। और भी खिताब, माया आवृत ज्ञान, जिसको ज्ञान माया ले लिया, आसुरी भाव मास। तो यदि वास्तविक हम लोग सुखी होने को चाहते हैं, जीनो आत्मा सुख प्रसिद, यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं, तो ये पद्धति आपको ग्रहण करने पड़ेगा। वो क्या चीज है, ये परो धर्म, नॉट अपरो धर्म, नॉट मेटीरियलिज्म, भौतिक बात नहीं, और शून्यवाद भी नहीं, और निर्विशेष बात भी नहीं, भागवत धर्म, भगवत बात। भगवान है, भगवान मालिक, हम लोग सब नौकर, और भगवान जैसा हुकुम कर रहे हैं उस प्रकार हमको मान लेना चाहिए, इसका नाम है धर्म। इसका अलावा जो कुछ हम लोग धर्म मानते हैं,
वो सब जुआ से भी और कुछ नहीं। ये शास्त्र ने बताया है कि धर्म प्रोजिता कोई तो बहुत, जितने प्रकार के जुआचोरी धर्म है, यानी है जुआचोरी, बाकी धर्म का नाम से चल रहा है वो प्रोजिता कोई तो वक्त, उसको झाड़ू दे के फेंक दिया गया। जैसे हम लोग घर में झाड़ू दे करके वो जितना मैला है बाहर फेंक देते हैं, किस्मत भागवत में वो जो धर्म है जो जुआचोरी करने वाला था है वो सब झाड़ू देख करके फेंक दिया। असल धर्म ये सभी पुरुषांग करो धर्म जतु भक्ति लघु, वो धर्म है जिसको पालन करने से भगवान के चरण में भक्ति हो, उसका नाम है धर्म। और यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो इसी धर्म को पालन करना पड़ेगा। आप और कुछ धर्म का पालन करेंगे तो वो तो है तो जुआचोरी, और वो जुआचोरी तो आप पास में आप फंस जाएंगे और उसमें आपको जीवन खराब हो जाए। ये भी शास्त्र ने बताया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भागा जुबद्धता, ये कलयुग में होने वाला है, हो भी रहा है। ये प्रायण अल्प आयुष, इस युग में आयु बहुत कम होता है। कलयुग में आखिरी 100 वर्ष तक आदमी जी सकता, इतना लिमिट है। बाकी आजकल कौन जीता है 100 वर्ष, वो आस्था से कमती हो जाए। जैसा कलयुग का आगे बढ़ना है, ये आयु दया बल और धर्म ये सब चीज कमती हो जाए। तो हो रहा है आजकल कौन 100 वर्ष बचता है, 60-70 वर्ष कोई जीता रहे तो समझता है बहुत बुढ़ा। आगे जाके कोई 20 वर्ष 30 वर्ष तक जिएगा तो उसको माना जाएगा बहुत बुढ़ा, ऐसे शास्त्र में है। तो आयुर हरति, मैं जो जीवात्मा है ये शरीर में मैं फंसा हुआ है, और इसलिए हमको जब तक हमको ये भौतिक शरीर मिलेगा तब तक हमको दुख भोगने पड़ेगा, ये है प्राकृतिक नियम। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे शीतोष्ण सुख दुखदा, ये शरीर जो है सुख और दुख के शरीर से होता है, आत्मा का सुख दुख नहीं है। तो यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, यदि आप सुख चाहते हैं, तो ये धर्म को पालन करना पड़ेगा। परो धर्म सभी पुंसान परो धर्म जो तो भक्ति अधो खज, अधो खज जो भगवान, भगवान का एक नाम है अधो खज। तो उसमें भगवान के चरण में भक्ति आप जरूर करने पड़ेगा, और यदि आप नहीं करेंगे तो आप दुख भोगते रहिए, ये आपका बिजनेस है। बाकी हम लोग का उचित है आपको बोलना, जो सच्ची बात है वो आपको सुना देना। ये कृष्ण कॉन्शियस नेक्स्ट जो मूवमेंट है यही सुनाते हैं दुनिया में, कि यदि आप सुखी होने चाहते हैं तो भगवत भक्ति को करूँ, और यदि आप अंतकाल तक भुत्ता भुत्ता प्रलीयते, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करना और दुख भोगने को चाहते हैं है? तो ये आपके काम है। बाकी इसको आप दुख से यदि छुट्टी चाहते हैं और परम सुख चाहते हैं है? भगवान का पास जाने चाहते हैं, जस गत्याना निवर्तन्ति तद धामम परमम, सब शास्त्र में बताया गया भगवद गीता में। बाकी खेद का बात है ये कि हम लोग सब भगवद गीता पढ़ने वाला है, ये सब बात नहीं समझ, और बड़े बड़े स्कॉलर है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, वो सब भगवद गीता पढ़ने वाला है, बाकी कोई भी कृष्ण जो भगवान है ये बता दो, कृष्ण को उड़ा दो, कृष्ण को उड़ा दो और खुद भगवान खुद अवतार होगा, ये सब चाल चलता है। इसलिए इस प्रकार जो चीटिंग धर्म है इससे आप लोग का कुछ लाभ नहीं होगा। असल जो धर्म है परो धर्म उसको ग्रहण कीजिए, भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए, और उसको लाभ करने से जय आत्मा संप्रसिद्ध।
हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या 30। न च शक्नोमि अवस्थातुम् ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्णा, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे। तो यहाँ पे जैसे ही भगवान ने रथ लाया, जैसे अर्जुन की इच्छा थी, अर्जुन देखना चाहता था, भगवान ने जब रथ लाया तो क्या क्या अर्जुन के साथ हो रहा है हम पिछले कुछ श्लोकों से देख रहे हैं। अब क्यों ये भय हो रहा है, क्यों अर्जुन अपने आप को भूल रहा है, क्यों उसका सर चकरा रहा है? हमारे जीवन में जब हम अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं भौतिक चीजों से, तब ये होता है। ये अर्जुन की अत्यधिक आसक्ति है भौतिक रिश्तेदारों से। हम भी जब भौतिक चीजों से, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मोबाइल हो, कार हो, घर हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, जब अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति स्वाभाविक है। वो आसक्ति भी जो है वो हमें भगवान की तरफ मोड़नी है। लेकिन जब हम भौतिक संसार में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, भय उत्पन्न होता है, अपने आप को भूल जाते हैं। देखते हैं हम संसार में जब किसी व्यक्ति की कुछ प्रिय वस्तु या कोई प्रिय व्यक्ति खो जाता है और वो व्यक्ति बहुत आसक्त है तो क्या उसका हाल होता है, दुखी रहते हैं, खाना नहीं खाते, बीमार हो जाते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, उसके कारण ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ये सब बढ़ जाती है। एक स्टूडेंट, छोटा सा एक स्टूडेंट है, वो क्लास 5th में रैंक 1, क्लास 6th में रैंक 1, 7th में रैंक 1, 8th में नहीं आ पाता रैंक 1, तो उसको सीखना चाहिए। ये हमें उसे माता पिता का धर्म है कि उसे सिखाएं कि ठीक है इस बार कोई और रैंक 1 आ गया, लेकिन हम प्रेशर डालते हैं। यही प्रेशर उसकी पढ़ाई में, यही प्रेशर उसके कॉलेज में पढ़ाई में होता है, यही प्रेशर उसके जॉब में होता है, उसके बिजनेस में होता है, उसके करियर में, उसके उसका घर गृहस्थी में होता है। जब किसी के बच्चे नहीं ठीक से पालन करते हैं तो प्रेशर माँ बाप के ऊपर होता है, तो व्यक्ति बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इस प्रेशर को झेल रहा है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक आसक्ति, नशा करते हैं लोग, शराब, ड्रग्स, सुसाइड, मेंटल डिसऑर्डर्स, भय। क्योंकि जब अंदर से भय इतना बढ़ जाता है लेकिन आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोग अकेले होते जा रहे हैं, लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा किया था कि कोई किसी के साथ ज्यादा संबंध नहीं रख पा रहा है क्योंकि वो सिर्फ केंद्र अपने आप को मानता है। अगर पति है और पत्नी भी है, एक दूसरे को सुख मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अलग। माँ बाप अगर मुझे सुख दे रहे हैं, मुझे फैसिलिटी दे रहे हैं जो मुझे चाहिए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, कलीग्स के साथ, सब जगह हम स्वार्थी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी स्वार्थी होने के बाद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि असली स्वार्थ किस में है हमारा। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि हम सबको समझना चाहिए कि हमारा असली स्वार्थ क्या है, विष्णु गति को प्राप्त करना। भगवान विष्णु के धाम, भगवान विष्णु के चरणों को, भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त करना है, ये असली स्वार्थ है।
स्व अर्थ, स्व और अर्थ, स्व मतलब मैं, तो मैं एक जीव हूं, एक जीवात्मा हूं, और मेरा संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ। तो उस संबंध पे कार्य करूंगा तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, दुख नहीं होगा, अत्यधिक आसक्ति नहीं होगी, मैं अपने आप को भूल नहीं जाऊंगा, आनंद में रहूंगा, सुख में रहूंगा। अर्जुन यहां वो बोल रहा है, यहां भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म। लेकिन क्षत्रिय धर्म होने के साथ साथ क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो ये शुद्ध भक्ति भी हो गया। तो क्योंकि यहां पे उसका स्वार्थ होना चाहिए अर्जुन का कि कृष्ण क्या कह रहे हैं वो करना, वो नहीं कर रहा है, इसलिए दुख भुगत रहा है। हमसे कितने ही लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि दुख क्यों मिल रहा है हमारे जीवन में, हम कहते हैं एक ही बात कि आप भगवान द्वारा बनाई हुई इस दृष्टि में, भगवान द्वारा बनाए हुए नियमों के साथ नहीं चल रहे। ट्रेन जब तक पटरी पे चलेगी अच्छे से चलेगी, पटरी से उतर जाएगी नुकसान ही नुकसान है, अंदर बैठने वाले का भी, ट्रेन का भी और बाहर। इसीलिए हम भगवान के बनाए हुए जो नियम है और हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए, सरकार जो भी नियम बनाती है हमारे फायदे के लिए, तो भगवान हमारे फायदे के लिए क्यों नहीं बनाएंगे? तो ये बात हमने समझनी चाहिए। अच्छा, बहुत ही सुंदर यहाँ पे शब्द बोल रहा है, निमित्तानि विपरीतानि, विपरीत। हे केशव, यहां मैं आया हूं कि युद्ध करूंगा और जीत जाऊंगा, उसके बाद सुखी हो जाऊंगा, आनंद में रहूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं विपरीतानि, विपरीत रिजल्ट मिलने वाला है, उल्टा। अगर कोई स्टूडेंट जाता है एग्जाम में लिखने, बहुत तैयारी करता है, एग्जाम में लिखता है और बहुत अच्छा करने के बाद उसको अगर उल्टा रिजल्ट मिले तो फ्रस्ट्रेट होगा ही, बड़ा स्वाभाविक है। अर्जुन सोच रहा है कि मैं युद्ध करूंगा, सबको मार दूंगा, जीत जाऊंगा, जीतने के लिए तो मारना पड़ेगा, तो जीत जाऊंगा, फिर पूरा राज्य हमारा, हम पांच भाई रह के आराम से रहेंगे। लेकिन यहां नहीं देख रहा, ये सोच रहा है कि अपने लोग मारे जाएंगे तो उसका दुख हो रहा है। संसार में ये बहुत होता है, हम चाहते हैं कुछ करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं और उससे सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उससे दुख मिलता है क्योंकि हम सही गाइडेंस में नहीं कर रहे हैं। सही गाइडेंस में नहीं करने से वो कार्य हमें दुख देता है। इस संसार में हर भौतिक वस्तु हमें दुख देती है, हर भौतिक संबंध हमें दुख देता है। क्यों? क्योंकि भौतिक वस्तु हो या भौतिक संबंध हो किसी व्यक्ति के साथ, हम कृष्ण से अलग हो गए हैं। आपके पास कोई भी भौतिक वस्तु हो, आप कृष्ण से नहीं जोड़े हैं तो आपको दुख मिलेगा, कृष्ण से कनेक्ट होंगे तो आनंद मिलेगा। तो यहां पे अर्जुन वो नहीं देख पा रहा, इसीलिए पूरी तरह से वो परेशान हो गया है, मानसिक उसको जो है डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है। तो इससे बचने के लिए ही भगवान आगे उसको सॉल्यूशन देंगे अर्जुन को। हरे कृष्ण।